Hello friends, welcome to my channel DIY with Shella, and today I'm gonna tell you how to make your hair keratin smooth at home with only four ingredients, which is one is we have a flax seed with us, and another is fenugreek seed, aloe vera gel and coconut oil. That's it we require, and I'll tell you how to use it and how to make it at home a mask which can make your hair purely, which can make your hair keratin smooth at home with organic products which are pure and natural. So let's begin. So first of all, what we need to do is put water, a jug full of water. And then इसमें सारी flax seeds डाल लें. ये मैं ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाऊँगी. सो इफ़ यू आर मेकिंग ओनली हेयर मास्क फॉर योर हेयर फॉर केराटिन स्मूथ हेयर, तो आप इसमें से टू टेबल स्पून, बिग हीप फुल ऑफ टू टेबल स्पून डाल लें. अब हमने ये इसको बॉईल पे रख दिया है, और ये जो फेनिग्रिक सीड हैं, मेथी सीड्स हैं, इनको भी हम इसमें डाल लेंगे. ये भी आप टू टेबल स्पून डालेगा. अब इसको हम क्या करेंगे, विल बॉयल इट, अच्छे से बॉयल करेंगे ताकि ये थिक हो जाए. आई शो यू ये इसका टेक्सचर क्या हो जाएगा. सो नाउ यू कैन सी कि इसका ये देखो किस तरह से हो गया है, गाढ़ा हो गया है. ये देखें आप. नाउ वी नीड टू स्ट्रेन इट आउट. अब हम इसे एक, या तो आप स्ट्रेनर ले सकते हैं या फिर एक कॉटन के क्लोथ में इसको डाल के स्ट्रेन कर लेंगे. I'll show you how I'll do that. इस तरह से आप स्ट्रेनर ही लें क्योंकि ये गरम गरम ही आपको स्ट्रेन करना होगा, और अगर आप कॉटन के उसमें करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्ट्रेन इट आउट फ्रॉम कॉटन क्लोथ. यूज अ स्पून, स्पून यूज़ करें इसे स्ट्रेन करने के लिए. ये इस तरह से पूरा का पूरा ये जो जूस जेल बना है, ये इसको आप पूरी तरह से स्ट्रेन आउट कर लें. ये मैंने स्ट्रेन आउट कर लिया है, और ये इस तरह का जेल बन गया है. और थोड़ा सा थिक जेल बनाने के लिए वी नीड टू लीव इट फॉर हाफ एन आवर और मोर देन दैट. इसको थोड़ा जेल कंसिस्टेंसी हो जाएगी, इसकी जेल टाइटनिंग हो जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें, ठंडा होने दें. फ्रेंड्स नाउ यू कैन सी दिस हैज़ फॉर्म्ड इनटू अ जेल. देखो कितना थिक और जेल हो गया है, एंड इट इज़ रेडी टू यूज़ नाउ. अब हम क्या करेंगे, फोर टेबल स्पून हम ये थोड़ा जेल ले लेंगे. ये थोड़ा थिक है, काफ़ी थिक है. आप अपने बालों के अकॉर्डिंग जेल ले सकते हैं. अभी आई एम गोइंग टू टेक ओनली फोर टेबल स्पून. I have short hair. और हम 1 टेबल स्पून इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे. और 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल. नाउ मिक्स इट वेल. और अब मैं इसमें एक स्पून कैस्टर ऑयल डालूंगी, जिसको हम हिंदी में अरंडी का ऑयल बोलते हैं. सो ऐड वन स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल. ये बालों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देता है, और ब्लड प्रेशर, जो ब्लड सर्कुलेशन एक्सेलरेट करता है, और जिससे क्या होता है, हेयर ग्रोथ होती है. इट इंक्रीज हेयर ग्रोथ. और फ्लैक्सीड कंटेन्स ओमेगा थ्री फैसी एसिड कंटेन करता है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्किन, गुड फॉर हेयर. और फेनिग्रीक जो होती है वो भी बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट है आपके बालों के लिए, स्किन के लिए. बाल बहुत सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं. और एलोवेरा का तो आपको पता ही है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर स्किन एंड हेयर एज वेल. नाउ आई विल शो यू हाउ टू अप्लाई दिस. इसको आपको अपने रूट से टिप तक पूरे बालों में लगाना है. मैं आपको दिखाऊंगी, आई विल शो यू हाउ आई विल अप्लाई टू द हेयर. तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस जो हेयर मास्क हमने बनाया था केराटिन स्मूथ बालों के लिए,
हम उसे किस तरह से अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले अपने बालों को अच्छे तरह से कोम कर लें और मेक श्योर आपके बाल ज़्यादा गंदे ना हों, एक दिन के वॉश हुए बाल चलेंगे। अब इसको रूट से लेकर टिप तक सारे बालों में लगाएं नीचे तक, और बालों को लगाते लगाते आप कोम करते रहिएगा, क्योंकि हम अभी केराटिन स्मूथ बालों के लिए इसको लगा रहे हैं। जिस तरह से मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से बालों में वो मास्क लगाना है, सेम उसी तरह से हम इसको भी अपने पूरे बालों में रूट टू टिप तक लगाएंगे। और उसके बाद हम बालों को जूड़ा नहीं बनाएंगे, बालों को खुले रखिएगा, स्ट्रेट रखिएगा, बिल्कुल सीधे जैसे आप चाहते हैं, और उसको रखने के एक डेढ़ घंटे बाद हम वॉश करेंगे। ये अभी मैंने इसे रूट रूट में लगाया है और अब हम इस तरह से एक एक लट निकालेंगे ये, और इसको पूरा टिप तक लगाएंगे और फिर उसके बाद कोम करेंगे। ये पूरे रूट से टिप तक मैंने लगा लिया है और आप इस तरह से कोम करके इसे स्ट्रेट रखिएगा। और फिर इसको एक डेढ़ घंटे रखने के बाद आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आप रात में लगा रहे हैं तो आप ओवरनाइट रख के सुबह में वॉश कर लें। फ्रेंड्स, दिस इज़ द रिज़ल्ट आफ्टर वॉशिंग द हेयर। ये देखिए बहुत स्मूथ और शाइनी हो गए हैं। दिस इज़ फर्स्ट टाइम वॉश, और आप अगर इसे पहली बारी लगाए, अगर आप इसे दो तीन बारी रेगुलर लगाएंगे ट्वाइस इन अ वीक, और बहुत अच्छा इफेक्ट होगा इसका। ये देखें, सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई और मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। शेयर योर फीडबैक और वट एवर द रिज़ल्ट यू फील लाइक। आपको जो भी बताना हो मुझे बताएं, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएं मुझे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू फाइंड वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू। बाय।